भारतीय टीम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में मेजबान साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक जीत में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सचिन दास ने 96 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। महाराष्ट्र के बीड जिले के सचिन दास टीम में फिनिशर का रोल बखूबी अदा कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में अब तक 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 294 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन की मां पुलिस अधिकारी हैं और वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, जबकि उनके पिता अनिल दास को शुरू से ही यकीन था कि सचिन इस खेल के लिए ही बने। बहुत बहुत मुबारकबाद दिया मैंने, और जो जो इंडिया की जो स्थिति थी उसमें से उसने जो विजय उदय सारंग ने और सचिन ने जो बारी खेली, बहुत शांत और संयमी बारी खेली। आखिरी तक उन्होंने मैच को लेके गए और अच्छे स्ट्रोक खेले, ग्राउंड शॉट खेले, अच्छे स्ट्रोक खेले, और दोनों में जो कॉम्बिनेशन था वो चीज़ बात करके हर ओवर में हर बॉल को जो बात करके जो उन्होंने जो वो बारी लंबी खींच के लेके गए और आखिरी तक उन्होंने जीता, इंडिया को जीता के दिया। जो 96 पे सचिन आउट हो गया तब ऐसा लग रहा था कि 100 होना चाहिए था और नॉट आउट आना चाहिए था। ये फीलिंग आई थी मेरी एक पेरेंट्स बोल के, पिता बोल के, लेकिन जो खेला वो कॉन्फिडेंसली खेला और जब वो खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज सचिन तेंदुलकर जी थे और मैंने सोच के ही नाम रखा था कि उसको क्रिकेटर बनाने का है और उसका नाम सचिन ही रखने का है और उसको क्रिकेटर ही बनाने का है। नाम में बहुत कुछ है, वो उस मेरे बच्चे पे वो नाम का ही आशीर्वाद है जो वो अच्छा खेल रहा है और कॉन्फिडेंसली खेल रहा है और ऐसा ही खेलते रहे कि उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के देना, यही ख्वाहिश है मेरी। ये छोटे सिटी में से ये बहुत मुश्किल था, जब उसको मैंने ठहराया था कि उसको क्रिकेटर बनाने का है तब बहुत अड़चने आए। यहाँ ग्राउंड्स नहीं थे, एक गवर्नमेंट का DSO का ग्राउंड था, उसमें हमने उसका क्रिकेट खेलना शुरू करे। मैंने फिर कोच ढूंढे तो आदर्श क्रिकेट अकेडमी में आदर्श सर बोल के थे, उनके पास मैंने उसको 4.5 साल का था तब उसको डाल दिया वहाँ, और सर ने भी आदर्श सर ने उस पर बहुत मेहनत करी। बाद में वो 14 के लिए सेलेक्ट हो गया, फिर वहाँ अजय सर, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अजय चौहान सर थे, उन्होंने बताया कि ये बच्चा अच्छा खेलता है तुम्हारा, लेकिन इसको मैटिंग पे मत खिलाओ, टर्फ विकेट पे प्रॉपर खिलाओ, उसके ड्रीज लो। तो मैंने अजय सर से बात करी और हम दोनों ने मिलके 4-5 टर्फ विकेट बनाए और उस पर फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो अजय सर ने जो उस पर मेहनत करी और जो बच्चे ने मेरे उनका साथ दिया, तो इसकी आज उसका फल देखने को मिल रहा है। आज सचिन की है ये जब उसका इंडिया में सिलेक्शन हो गया था तब मेरे दोस्त ने मेरे को प्रेजेंट किया था। ये जो बारी खेली है क्रिकेट की, उससे हम सब परिवार और सचिन के सब फ्रेंड्स, कोच और सब हम भारतवासी सब खुश है। एज ए पेरेंट्स मैम, मैं पुलिस दल में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बोल के सर्विस करती हूँ, तो सचिन की पूरी जवाबदारी सचिन के पिता और सचिन की ये ग्रैंड मदर है उनके ऊपर आई थी, और उन्होंने बचपन से उनको अच्छी टाइम देके सचिन को क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छी एक कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं क्रिकेट खेलता था, एक शौक बोल के खेलता था, लेकिन इंडिया के लिए खेलने का इतना कैलिबर मेरे में नहीं था, और वो सपना मैंने मेरे बच्चे में देखा कि ये जरूर खेलेगा, और इसके वास्ते मैंने उस पर मेहनत करना शुरू कर दी। मैंने पूरा मेरा जॉब ये सब फंक्शन वगैरह सब छोड़ दिया, सिर्फ बच्चा, ग्राउंड, उसकी प्रैक्टिस, इस पे फोकस करे वाला मैडम 2008-2010 से मैंने पूरा फोकस जो किया है तो सिर्फ सचिन की प्रैक्टिस के ऊपर और उसके क्रिकेट के ऊपर करे वाला। नहीं, वो जो उसका बॉडी लैंग्वेज जब देखते हैं तो इतना स्ट्रांग नहीं लगता है वो, और जब वो जो 85-87 मीटर के बाउंड्री पे जो छक्का मारता है तो लोगों को ताज्जुब होता है कि वो कैसा मारता है। तो वो टाइम उसका बैट आके उसने देखे थे, जो मैच रेफरी थे उन्होंने देखा था बैट, वो मेरे ख्याल से वो 16-19 का पीरियड है वो, तो उसका बैट चेक करे थे कि ये हेवी वेट है क्या, ये ऐसा है, वो मोटा है क्या, ये चेक करे थे, लेकिन जब उन्होंने बैट देखा तो ओके बोल के छोड़ दिए थे। फोन करता है वो, कोच से बात करता है, मेरे से बात करता है, लेकिन हम जो
जब मैं उसको बात करता हूँ तो वहाँ जो कानिटकर सर है, लक्ष्मण सर है, ये बहुत बड़े प्लेयर है, ये क्रिकेट के भगवान है। ये जो उसको मीटिंग में जो रूल बताते हैं, जो डिस्कस करते हैं, जो उसको सचिन को बताया जाता है कि तेरे को ये करना है, या तो वो उसको हम इतना ही बताते कि जो कानिटकर सर, लक्ष्मण सर जो बताते हैं वही तेरे को करना है, और 100% तेरे को टीम के वास्ते देना है, ना कि पब्लिक के वास्ते खेलना है, ना बड़े बड़े छक्के मार के पब्लिक को खुश करना है। जो टीम की जरूरत है वो हिसाब से वो नंबर पे वही बैटिंग करना है तेरे को। अरे उसका उसका तकदीर अच्छा है और मेरा भी तकदीर अच्छा है कि उसको एकदम जूनियर लेवल में उसको कोच अधर सर अच्छे मिले। उसके बाद जब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में महाराष्ट्र के लिए खेला तब वहाँ उसको कोच अच्छे मिले, अजय चौहान थे, अजय घोष सर थे, काने सर थे, ये सब जो सर थे उनको जो टाइम टाइम पे उसको मिलते गए और उसका कॉन्फिडेंस और उसका क्रिकेट का लेवल उन्होंने बढ़ाते लेके गए। जो महाराष्ट्र क्रिकेट क्रिकेट के एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है अपने अपने रोहित पवार सर है अध्यक्ष, इन्होंने जो उनको सपोर्ट किया, इन्होंने जो उसको एकदम कॉन्फिडेंस बताया, वो हमेशा उसके साथ रहा और वो लेके ही आगे चलते गया। सचिन जब वर्ल्ड कप जीत के आएगा तो हमें विश्वास है वो वर्ल्ड कप विनर होके आएगा और उसका हम सब बीड़वासी, हम फैमिली, सब रिलेटिव्स बोल के बहुत अच्छा स्वागत धमाल से करेंगे।